हेलो एवरीवन, दिस इज सुदेश एंड वेलकम ऑन अरव एजुकेशन पॉइंट। आज हम नाइन्थ क्लास की फर्स्ट पोइम द रोड नोट टेकन रीड करेंगे। दिस पोइम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका टाइटल है द रोड नोट टेकन। द रोड नोट टेकन मीन्स वो पैसेज जो हमने चूज नहीं किया या जिसको हमने अपनाया नहीं। सो पोएट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि द पैसेज वी डोंट चूज इन अवर लाइफ इज द रोड नोट टेकन। द डिसीजन आर पैसेज जो हम अपनी ज़िंदगी में चूज नहीं करते हैं या सेलेक्ट नहीं करते हैं, वही क्या है, रोड नोट टेकन है। हियर पोएट्स शेयर हिज ओन फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसिस दैट ही हैड लेफ्ट इन द पास्ट। वो अपने खुद के जो है एक्सपीरियंसिस को शेयर करते हुए आपको समझा रहे हैं कि उसने वो रास्ता जो छोड़ दिया था उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज द पाथ विच वी हैव चूजन डिसाइड्स अवर फ्यूचर। क्योंकि जो पाथ हमने या जो डिसीजन हमने चूज किया है वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। सो द इम्पोर्टेंट मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू गिव हियर इज दैट द चॉइस दैट वी मेक हैज एन इम्पैक्ट ऑन अवर फ्यूचर। कि आज जो चॉइस हम कर रहे हैं या जो डिसीजन हम ले रहे हैं उस डिसीजन का हमारे आने वाले लाइफ पर प्रभाव होने वाला है या हमारी लाइफ उसी डिसीजन के कारण वैसी ही होने वाली है। इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस वी रिग्रेट इट। अगर हम जो गलत चॉइस करते हैं या गलत डिसीजन लेते हैं तो हमें इसके ऊपर पश्चाताप होता है। एंड वी कांट गो बैक, परंतु हम वापस नहीं जा सकते। सो वी मस्ट बी वॉइस, हमें जो है समझदार रहना पड़ेगा कब, वाइल मेकिंग चॉइसेस, चॉइस को सेलेक्ट करते टाइम। सो लेट्स रीड द पोएम। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। दो रास्ते डाइवर्ज हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे इन अ येलो वुड, एक पीले फॉरेस्ट में। पीले फॉरेस्ट का मतलब है कि ओटोमन सीजन में पत्ते जो हैं येलो हो जाते हैं और वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके सभी पेड़ों के पत्ते कैसे नज़र आ रहे हैं, येलो आ रहे हैं नज़र। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल, मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक ही ट्रैवलर हूँ मैं। सो लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए मैं उस रास्ते पर काफ़ी देर तक, उस पॉइंट पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा और सोचता रहा। एंड लुक्ड डाउन, और देखता रहा वन एक रास्ते को, एज फार एज आई कुड सी, उतनी दूरी तक जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेहर, कहाँ तक देखा, वहाँ तक देखा। इट बेंड, जहाँ पर ये मुड़ रहा था। इन द अंडरग्रोथ, इसमें एक छोटे से स्मॉल गहरे फॉरेस्ट के अंदर। सो पोएट वॉज वॉकिंग ऑन अ रोड एंड देयर वॉज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द रोड डिवाइड्स इन टू डिफरेंट वेज। कि पोएट जो है रास्ते पर जा रहे थे और एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस पॉइंट से वो रास्ता दो अलग अलग दिशाओं में जा रहा था। ही हैड टू चूज वन आउट ऑफ देम, उसे उन दो में से एक को चूज करना था। सो पोएट सेज दैट एज ही वॉज वन पर्सन, क्योंकि वो एक ही बंदा था। एंड ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ रोड्स, बोथ रोड्स पर वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। सो ही हैड टू चूज वन आउट ऑफ देम दीज टू रोड्स, और उसको एक ही रास्ता चूज करना था। सो ही kept स्टैंडिंग देयर एंड लुक्ड एट द पाथ वेरी केयरफुली। सो इसलिए वो वहाँ पर खड़े होते हैं और पाथ को बहुत ही केयरफुली देखते हैं, जितनी दूर तक वो देख सकते हैं। बिकॉज रास्ता सेलेक्ट करने से पहले वो जानना चाहते थे कि ये जो रास्ता है वो उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। यहाँ पर येलो वुड्स मीन अ फॉरेस्ट ऑफ येलो लीव्स, द सीजन मे बी ऑफ ओटोमन, एंड इट रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ पीपल, वेयर पीपल हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स। ये जो येलो वुड है ये जो है ऐसे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर बहुत सारे सालों से जो है लोग रहते आ रहे हैं। नाउ लेट्स कोरिलेट इट विद अवर लाइफ। इट हैपन्स इन अवर लाइफ आल्सो, ऐसा हमारी ज़िंदगी में भी होता है जब हमें दो चॉइसेस में से एक चॉइस को चूज करना होता है। और पोएट यहाँ पर यही बात कह रही हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें वी शुड टेक टाइम टू थिंक अबाउट द प्रोज एंड कॉज ऑफ द सिचुएशन,
कि हमें समय लेना चाहिए उस सिचुएशन के प्रोज एंड कोस, यानी कि उसके बारे में जानने के लिए क्या उसकी लाभ है और क्या उसकी हानि है। आफ्टर दैट वी हैव टू डिसाइड, उसके बाद ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या करना है। नाउ इट्स वर्ड मीनिंग, डाइवर्स डिवाइडेड, बटा हुआ, येलो वुड, ए फॉरेस्ट विद लीव्स इन ऑटोमन सीजन, फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन ऑटोमन सीजन, अंडरग्रोथ, ए स्मॉल डेंस फॉरेस्ट, एक छोटा सा गहरा वन। सो मूव ऑन सेकेंड स्टैंजा, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग प्रेप्स द बेटर क्लेम। पोएट वहाँ पर कुछ देर खड़े होते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं और उसके बाद जो है डिसाइड करते हैं कि उनको सेकेंड रास्ते पर जाना है। जो फर्स्ट रास्ता भी उतना ही फेयर था, उतना ही सही था जितना कि सेकेंड वाला, बट एंड हैविंग प्रहप्स द बेटर क्लेम, परंतु पोएट को ऐसा महसूस होता है कि ये जो रास्ता है वो बेटर ऑप्शन है। बेटर क्लेम का मतलब ज़्यादा सही है या बेटर ऑप्शन है, किसके लिए, मेरे लिए। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये बहुत जो है ग्रासी था। ग्रासी का मतलब इसके ऊपर घास अच्छी उगी हुई थी, एडवांटेड वियर, और वो यूज नहीं किया हुआ था, हैड नॉट बीन यूज्ड। वांटेड वियर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड, कि उसके को अभी तक किसी ने यूज नहीं किया था। दो, यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वहाँ से कुछ समय गुजरने के बाद आई रियलाइज, उसको महसूस होता है, हैड वोरन देम रियली अबाउट द सेम, कि दोनों ही रास्ते बराबर रूप से यूज किए गए थे। वोरन मीन्स यूज किया गया था या घिसा हुआ था बराबर रूप से। सो वहाँ से चलने के बाद पोएट को जो रियलाइज होता है वो यही होता है कि जो दोनों रास्ते थे वो एक बराबर समान रूप से यूज किए गए थे। सो लेट्स कोरिलेट इट विद आवर लाइफ। इवन इन आवर लाइफ वी टेक एनी ऑप्शन, बट ऑल ऑफ देम हैव सम बेनिफिट्स, एडवांटेज आर प्रॉफिट, एज वेल एज सम चैलेंजेस आर हार्डशिप्स आल्सो। कहते हैं हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हैं, दो में से, तीन में से किसी एक डिसीजन को हम चूज करते हैं, तो उन तीनों का ही अपनी कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। सो पोएट्स वांट्स टू क्लियर हियर दैट, पोएट्स यहाँ पर आपको यही बात समझाना चाहते हैं कि जो भी रास्ता हम चूज करें, उस रास्ते में आने वाली हर सिचुएशन का हमें हर हाल में या एट एनी कॉस्ट सिचुएशन को फेस करना चाहिए। नाउ इस वर्ड मीनिंग फेयर, एज गुड एज द अदर वन, उतना ही सही जितना पहले वाला, क्लेम बेटर ऑप्शन, सही चुनाव, ग्रासी अनयूज्ड बिना प्रयोग किया हुआ, वांटेड वियर हैड नॉट बीन यूज्ड, सेम वही है कि इसका भी यूज ना किया गया हो, वोरन घिसा हुआ मीन्स यूज किया हुआ, पासिंग देयर वहाँ से गुजरते हुए। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स मूव ऑन थर्ड स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक। और उस सुबह जब पोएट ने एक रास्ते पर जाने का डिसीजन ले लिया, तो जो है उस सुबह वो क्या देखते हैं कि बोथ मीन दोनों ही रास्ते, इक्वली ले मीन्स सिमिलर थे, एक जैसे थे, इन लीव्स यानी दोनों ही रास्तों पर पत्ते थे, नो स्टेप मीन कोई कदम नहीं था, हैड ट्रोडन ब्लैक यानी उन पत्तों को किसी ने भी ब्लैक कलर में परिवर्तन नहीं किया था। जैसे हम किसी रास्ते पर कोई बार बार जाता है तो वहाँ जो पत्ते गिरे हुए होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। जनरली पत्तों का कलर ग्रीन होता है, लेकिन नीचे गिरने के बाद कदमों के नीचे आने से वो कैसे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। लेकिन उन दोनों रास्तों का जो पत्ते थे वो ग्रीन थे, मीन्स वहाँ से कोई नहीं गुजरा हुआ था। सो नो वन स्टेप्ड फ्रॉम देयर बिकॉज द लीव्स वर स्टिल ग्रीन। सो द पोएट डिसाइड करते हैं, ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओह मीन अरे आई कैप द फर्स्ट
मैंने जो रास्ता, पहले वाला रास्ता, फॉर अनदर डे छोड़ दिया था किसी दूसरे दिन के लिए, येट नोविंग, ये जानते हुए भी, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हाउ वे मीन कैसे रास्ते लीड्स दूसरे ऑन टू वे, एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकल आते हैं, ये जानते हुए भी मैंने पहले वाले रास्ते को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया था। आई डाउट इट, मुझे संदेह है, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं इस रास्ते पर कभी वापस आ भी पाऊंगा, इस बात का मुझे डाउट है। मीन्स पोइट न्यू दैट ही कुड नॉट गो बैक ऑन दिस चॉइस और पाथ दैट ही हैड मेड अर्लियर, कि पोइट को इस बात का अच्छे से पता है कि मैं उस रास्ते पर या उस जगह पर कभी वापस नहीं पहुंच पाऊंगा जो मैंने छोड़ दी थी पहले ही। सो लेट्स को रिलेटेड विद आवर लाइफ, सिमिलरली इन आवर लाइफ वंस वी चूज एन ऑप्शन, एक बार जो हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं, वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड विद अहेड विद दैट ऑप्शन, हमें उसी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना होता है, एंड वी नेवर गेट चांस टू कम बैक, और हमें वापस आने का कोई चांस नहीं मिलता ऑन दैट ऑन द अदर ऑप्शन, उस दूसरे ऑप्शन पर आने का चांस नहीं मिलता, दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर, जो कि हमने पहले ही छोड़ दिया है। सो एक बार जो हम डिसीजन ले वो सोच समझ कर ले, ये वैसा ही है जैसा आज हम लौट करके वापिस अपने बचपन में नहीं जा सकते। सो इस वर्ड मीनिंग्स आर इक्वली ले, इक्वली ले मीन्स सिमिलर, एक समान, ट्रोडन, वॉक्ड ओवर यानी जिस पर कदम रखे गए हों, कैप्ट छोड़ दिया गया, वे रास्ता, डाउटेड संदेह होना। सो मूव ऑन लास्ट स्टैंजा, I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. I shall be telling, मैं बता रहा हूँगा with a sigh, गहरी सांस लेते हुए somewhere कहीं ages and ages hence, hence mean future में, यानी future में कुछ सालों कुछ समय बाद मैं ये बता रहा हूँगा। Two roads diverge in a wood, कि दो रोड जो है divide हो रहे थे एक जंगल में, and I took the one less traveled बाय, मैंने उस रास्ते को चूज किया जहाँ पर कम लोग गुजरे थे, एंड दैट हैज मेक ऑल द डिफरेंस, और उसी डिसीजन की वजह से आज ये सारा फर्क नज़र आ रहा है, यानी आज जो मैं हूँ वो उसी डिसीजन की वजह से हूँ। सो हेयर द सिचुएशन इज दैट द पोइट इज सेइंग दैट वंस अपॉन ए टाइम आई हैड रीच सच अ पॉइंट इन लाइफ दैट देयर वर टू ऑप्शंस, कि मैं जो है ज़िंदगी के एक ऐसे जगह पर पहुंच गया था जहां पर मेरे पास दो ऑप्शन थे, एंड आई ट्रेवल्ड ऑन दैट रोड, और मैं उस रोड पर चला विच हैड बीन ट्रेवल्ड बाय लेसर पीपल, जहां से कम लोग गुजरे थे, दैट डिसीजन डिसाइडेड माय फ्यूचर, और उसी डिसीजन ने मेरे फ्यूचर को डिसाइड किया है। सो सिमिलरली स्टूडेंट्स, सेम उसी तरीके से बच्चों, द चॉइस आर डिसीजंस दैट यू मेक टूडे विल मेक यू इन फ्यूचर, जो चॉइस या जो निर्णय आज आप लोगे वही आपका फ्यूचर बनाएंगे। सो अ स्ट्रॉन्ग मैसेज इन द पोएम इज दैट फॉर ऑल ऑफ अस इज दैट वी शुड बी वॉइस एंड बी केयरफुल वाइल मेकिंग डिसीजन आर चॉइसेस, कि हमें जो है डिसीजन या चॉइस या दो में से किसी एक को चूज करते समय क्या रहना चाहिए, सावधानी भी बरतनी चाहिए और वाइजफुल तार्किक ढंग से डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज इन आवर लाइफ फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द चॉइस दैट वी मेक टुडे, कि फ्यूचर जो है आने वाला लाइफ हमारी जो है वो उसी डिसीजन पर या उसी डिसीजन के जैसी होगी जैसी आज हमें लेनी है। अगर हमारा डिसीजन गलत है तो आगे जा कर के हमें पश्चाताप सहना पड़ सकता है। नाउ इट्स वर्ड मीनिंग आर साई, डीप ब्रीथ, गहरी सांस, हैंस, हैंस का यहाँ पर मतलब है इन द फ्यूचर, भविष्य में। सो इट वॉज योर पोएम, इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टूडेंट्स बाय, बने रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। बाय बाय।